हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मोर आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को नॉन परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करा रहा हूं। और ये ज़्यादातर एनटीपीसी ग्रुप डी आज में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। और ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको बैंक में। देखिएगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं उसके बारे में देखेंगे। देखिए बहुत सिंपल तरीका है। देखिए लिखा हुआ है अंडर रूट 0.3, इसका हमको परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर में निकालना। जैसे आपको कहा जाता है कि 36 का वर्गमूल निकालिए तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं 6 होगा। ऐसे 49 का वर्गमूल निकालते हैं तो ये हो जाता है आपका 7। ऐसे हमको निकालते हैं कितना 64 का निकाले तो ये हो जाएगा 8। ये जो आपका दिया गया है ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये डायरेक्ट निकल जा रहे हैं। अब आपको क्या निकालना है 0.3 का वर्गमूल निकालने का तरीका देखेंगे। 0.5 का निकालेंगे 0.7, 48, 50, 75, 60, 37 और 18। इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे कैसे निकाले जाते हैं। देखिएगा जैसे आपको दिया गया है देखिए, ये दिया गया है आपका 0.3, अंडर रूट 0.3 का वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब इसको निकालने का तरीका क्या है देखिए, पहले क्या करेंगे, पहले करेंगे 0.3 दशमलव हटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3/10, इस तरह से हो जाएंगे। अब इसको नीचे के वर्गमूल निकालने का तरीका क्या है, हम इसको एक जीरो और जीरो दो लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब इसके आगे क्या करेंगे, अब यहां देखिएगा ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 30 बाई किसका 100 का वर्गमूल निकाल देंगे तो ये वो यहाँ हो जाएगा 10। अब यहां से क्या करेंगे 30 जो अंडर रूट 30 दिया गया है, अब इसको निकालना है हमको कैसे निकालेंगे। यहां से ये देखना है ये जो मान आपका दिया गया है 30 ये किसके पास में है, जैसे कैसे ये आपका या तो होगा 6 के वर्ग का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाता है या इसका 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब ये किसके पास में है ये देखना है, 30 किसके पास, 25 के पास में है कि 36 के पास, ज्यादा नजदीक है, नजदीक में देखना है तो ये देखे 36 ये 6 अंक ज्यादा हो रहा है, ये 5 अंक ज्यादा हो रहा है तो ये इसके पास में है। क्या है 30 क्या है 25 के पास में है। अब इसको निकालने का तरीका, तो अब कौन सा संख्या हम लेंगे, हम लेंगे सिर्फ 5, क्या लेंगे 5 वाली संख्या। 5 क्या करेगा, अब इसको हमको करना क्या है, ये जो 5 दिया गया है 10 को यही रहने देंगे, 10 से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसको बाद में करेंगे। अब यहां पर जो 5 दिए गए हैं इससे हम डिवाइड कर देंगे किसको 30 को, 30 को डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड किया कितना है 5/36 कितना आ जाएगा 6 आ गया। अब जो 5 है, जो 5 है उसको 5 और 6 को जोड़ लेंगे तो 6 × 5 = 11 हो जाएगा, 11 हो गया। क्या करेंगे 5 को 6 में जोड़ लेंगे तो ये जोड़ेंगे तो 6 × 5 = 11 हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे 11 हो जाएगा। अब यहां आपका पहले से 10 था, 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.1 आ जाएगा। अब 1.1 आ गया, 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.1 आ जाएगा। 1.1 आने के बाद में 2 से डिवाइड कर दो, 2 से हमको डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 × 5 = 10 और 2 × 5 = 10 तो आपका वर्गमूल निकल के कितना आ गया, इसका वर्गमूल निकल आ गया 0.55, इसका वर्गमूल निकल कर गया 0.55। इस तरह से इसको लगाएंगे, फिर से देखिएगा। ऐसे में दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं, अंडर रूट 0.5 का क्वेश्चन देखेंगे कैसे निकालते हैं। अगला देखेंगे 0.5 का, 0.5 का कैसे निकालेंगे इसको देख लीजिएगा, इसका समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में शायद समझ में आ जाएगा।
देखिएगा ये आपको क्या करा है, 0.5 दिया गया है, इसका नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, इसका मान कितना होगा। तो इसका निकालने का तरीका फिर दूसरी तरह क्या करेंगे, वही काम करेंगे, क्या करेंगे, अंडर रूट 5 लिखेंगे, दशमलव हटा देंगे तो नीचे हो जाएगा 10, ये पूरे के साथ में है। अब नीचे वाली संख्या को वर्ग करना है, वर्गमूल इसका निकालना है, तो वर्गमूल क्या हम इसको 0 और 0 से डिवाइड कर सकते हैं, मान ऊपर भी 0 लिख देंगे नीचे भी 0 लिख देंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं हो जाता, नहीं होता। अब ये आपका हो गया 0.50 बटे ये 10 हो गया। अब क्या करेंगे, 50 को ऐसी कौन सी संख्या है जिसका नजदीक में है, तो नजदीक आपका कितना है, 50 के नजदीक सबसे कौन है, 7 × 49 होता है, ये 7 × 49 होता है। यहाँ पर यहाँ ध्यान देना है कि किसके नजदीक है, तो ये 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 49 होता है, और ये 8 का करेंगे 6 का करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब देखिए इसके नजदीक सबसे नजदीक कौन है, नजदीक कौन है 7 का, 7 का नजदीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम लेंगे कितना, 7 को ले लेंगे, 7 को लेंगे तो 50 में डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 7 × 49 10 बचे, 7 × 49 1 बचा 10, और 7 × 7 3 बचा, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28। तो ये डिवाइड करने के बाद 7.14 आया गया, 14 आया। अब इसको क्या करेंगे, 14 आया। अब यहां से निकालेंगे कैसे, अब यहां जो दिया गया है इसको 7 को इसके साथ में ऐड कर देंगे, जो जिससे हमने भाग किया उसको ऐड कर देंगे, तो 7 दुनी कितना हो जाएगा, 14, दोनों 7 और 7 जोड़ देंगे, 1.14 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 2 = 14 और ये 0.7, ये आपका आंसर हो गया। तो वर्गमूल कितना निकाले, 0.5 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 1 चीज और यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसमें क्या करेंगे, ये जो आपका है आप बचा हुआ क्या आपका 10, क्योंकि यहाँ पर 10 दिया गया है तो इसको हो जाएगा 0.707, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से डिवाइड नहीं किया था, यहाँ से 10 पहले से आपका नीचे था, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 0.707 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे कैसे लगाते हैं, 0.7 को लेते हैं, 0.7 को लेंगे, देखिएगा ये आपका है 0.7, क्या करेंगे इसको, इसको भी निकालने का तरीका का, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 7/10 हो गया, 7/10 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर एक जीरो लिख देंगे, नीचे भी एक जीरो बढ़ा देंगे, क्योंकि इसको वर्गमूल निकालना है, इसका 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो इसलिए 10 को बाहर कर देंगे। अब यहाँ आपका बचा 70/10 हो जाएगा, 10 हम बाद में डिवाइड करेंगे, अब सिर्फ हम 70 को लेंगे, 70 को लेंगे, 70 को लेने का मतलब यह है, अब इसको देखना है वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल कैसे निकालेंगे, अब इसमें यह देखना है कि ये किसके पास में है, पास में वर्ग करने के किसके नजदीक है, तो देखेंगे 8 × 64, 8 का वर्ग करते हैं 64 हो जा रहा है, और इसका 7 करेंगे तो 49 हो रहा है, 49 हो रहा है, तो देखेंगे किसके नजदीक है, 70 64 के नजदीक है, 64 के नजदीक है, और ये इससे 2 रह जाता है, तो हम लेंगे 8 वाला, 8 लेंगे तो 8 लेने का मतलब है 70 में 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 8 × 56, 8 × 64, 8 × 64 पॉइंट 6 बचे, 0 लगाया, 8 × 48, 8 × 56, 8 × 56 4 बच्चा 40 हुआ, और ये 8 × 24, 8 × 32, 8 × 45, 8 × 45, तो ये आपका हो गया कितना, 8.75, इतना आ गया, इसको मिटा देते हैं,
अब यहां से क्या करेंगे, क्या किया था मैंने, अब क्या करेंगे इसको इसके साथ में इसको जोड़ देंगे, इसको 8 को जोड़ देंगे तो ये 16.775 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, अभी आपका ये क्या है 10 बचा हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा 10 बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा 8 × 16 और ये दशमलव यहां लग गया, ये हो जाएगा आपका 6 और 7 67। यहाँ आ जाएगा 3 हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर किया था तो 0.837 ये हो जाएगा, तो 0.83 हो जाएगा आंसर, देखें कितना 0.837 आंसर आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा। इस तरह से इसको निकालेंगे, अंडर रूट 7 जो दिया गया है इसको क्या करते हैं 70/10 लिखेंगे, 7/10 लिखेंगे, यहाँ क्या है आपका दशमलव हटेगा, नीचे जीरो डालेंगे। अब जीरो रखेंगे तो आप देखेंगे ऊपर और जीरो, नीचे को हमको बाहर निकालना है तो क्या हम नीचे जीरो और ऊपर जीरो लिख सकते हैं, तो ऊपर नीचे जीरो लिख देंगे, आपका 100 का वर्गमूल निकल आ गया 10। अब 70 बचा हुआ है, 70 ये देखना है किसके नजदीक में पास में है, तो 8 के नजदीक में है, तो 8 के नजदीक में है 8, 8 से डिवाइड कर देंगे 70 को तो 8.7 आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा, 8 और 8 को जोड़ लेंगे, 8 और 8 को जोड़ेंगे तो 16.75 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करने के बाद में आ जाएगा 8.37। अब यहां 10 किस लिए किया, क्योंकि यहां पहले से आपका ऑलरेडी 10 था, 10 से डिवाइड करेंगे तो 8.837 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं अगला, चलिए 48 देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 0.3, 0.5, 0.7 आ गया है, अब हम निकालेंगे कितना है 48 का, 48 को देखेंगे, देखिए इसको क्या करेंगे, ये किसके नजदीक में सबसे ये देखना है, तो सबसे नजदीक में देखिए 7 के नजदीक में है, 7 × 49 होता है तो 7 के नजदीक में है, इसको क्या करेंगे 48 को डिवाइड कर देंगे, 48 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 × 7 = 28, 7 × 6 = 42, 6, तो ये आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद में मैं कर चुका हूँ, ये आ जाएगा आपका 6.94 हो जाएगा, डिवाइड करने पे 6.94 हो जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे, इसको 7 को इसके साथ में जोड़ लेंगे तो 6 × 7 = 13 आ गया, 13/13.94 ये आ जाएगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितना 2 × 6 = 12, एक बार 2 × 9 = 18 और 2 × 9 = 18 और 2 × 7 = 14, 6.97 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। अगला देखते हैं 50 का निकालते हैं, 50 को भी निकालेंगे, देखें ये क्या करेंगे 50 को फिर किसके नजदीक में है 7 × 49 = 14 तो 7 से डिवाइड कर देंगे, किसके नजदीक में है 7 से, तो 7 से नजदीक में है 7 × 49.1 बचा, 7 × 7 और 3 × 7 = 28 इतना हो गया। अब क्या डिवाइड किया है इसको, इसको अब जोड़ देंगे, क्या करेंगे 7 और 7 को दोनों को जोड़ देंगे, 7 × 7 इसको जोड़ देंगे तो 14.14 आ जाएगा, 14.14 आ जाएगा, फिर उसके बाद में 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 7 × 14 points, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से इसको निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, चलिए अब यहाँ क्या है 75 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना हो जाएगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसको देखेंगे ये आपका 75 दिया गया है, ये किसके पास में है तो 9 के नजदीक है, क्या है 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 81 होता है तो 81 के बराबर, और अगर 8 से करते हैं तो ये हो जाएगा 8 × 64, तो पास किसके है 81, इसमें 5 1 6
छह संख्या के नजदीक है ये जाता है, इसका मतलब हमको पर किसके पास में है, नौ के, तो 75/9 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद में आ जाएगा कितना 8.33, क्या हो जाएगा 8.33 हो जाएगा, 8.33 हो जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे, दो से डिवाइड, इसको जोड़ देंगे, 9, 8, 17, तो ये हो जाएगा 17.33, फिर दो से डिवाइड कर देंगे, दो से डिवाइड कर देंगे तो 2 8 16, एक बार 2 6 12 और 2 6 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें, इसी तरह से देखिए 60 का, 60 को लेते हैं, 60 को लेंगे, देखिए ये किसके पास में सबसे है, 8 9 64, 8 के पास में है, क्या है 8 के पास में, तो 60 को 8 से डिवाइड कर देंगे, 60 से 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 7.5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7.5। अब इसको इसके साथ में जो 8 7 15 8 7 15.5 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 14 और 1 बचा 7 2 14, तो 7.4 आ जाएगा, 7.45 हो जाएगा, इसको इसको और पास में लेते हैं 7.5 ले सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, अब यहाँ देखेंगे 37 और 18, दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको देखें क्या करेंगे, इसको 37 है, 37 के नजदीक कितना है 36, 6 के नजदीक है क्योंकि 36 होता है, तो 6 के नजदीक हो जाएगा, ये हो जाएगा आप डिवाइड करेंगे तो 6.6 + 6, ये आ जाएगा कितना 6। अब इसको इसके साथ में इसको जोड़ देंगे तो ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12.1, से दो से डिवाइड कर देंगे तो 2 6 12 और ये 2 8 16, तो ये आपका वर्गमूल निकल के आ जाएगा, तो ये आपका किसका वर्गमूल है, 37 का वर्गमूल निकल के आ गया 6.08। अब 18 का देखेंगे, 18 को देखिए, 18 किसके नजदीक है, 4 6 16, 4 के नजदीक है, 18 16 के नजदीक है। अब यहां देखें, अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4, भाग करेंगे 4.5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8.5, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 2 2 4 2 5 10, ये आपका आंसर हो गया, ये वर्गमूल निकालने का तरीका है। इस तरह से ये क्वेश्चन समाप्त हुए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं बहुत सिंपल में समझा दिया हूँ। यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।